Two positive ions, each carrying a charge Q, are separated by distance d. If the force of repulsion between the ions, the number of electrons missing from each ion will be. तो आपको क्या दिया है, देखो there are two positive ions carrying a charge Q. तो दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन कैन बी गिवन बाय यूजिंग कूलम्स लॉ. क्या होता है कूलम्स लॉ, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर. तो क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर आएगा ये. तो एफ इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. अच्छा ये के क्या होता है, तो के का वैल्यू है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आर स्क्वायर होगा. तो q स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, f इंटू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर. मतलब q कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ फोर पाई एप्सिलॉन नॉट f आर स्क्वायर, राइट. ओके, उसके बाद ये q को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स q इज इक्वल टू होता है n इंटू e, अंडर रूट ऑफ फोर पाई एप्सिलॉन नॉट f आर स्क्वायर. हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो n कितना आ जाएगा अगर e को भी मैं अंडर रूट के अंदर लेके जाऊंगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ आर स्क्वायर, और e डिनोमिनेटर में आएगा वो e स्क्वायर है. तो ऑप्शन देखो ऐसा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय e स्क्वायर, किसके साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन c के साथ, राइट.